जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं, कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी यह कहानी शहर आप सबको कहीं फिर से उन दिनों की ओर ले चलेगी जब आपकी जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। शहर को इस ऑफिस में काम करते 5 साल हो चुके हैं। चारों तरफ फाइलों का ढेर और बीच में वो काशी भैया, ये सारी फाइल्स मैं देख चुकी हूँ, आप सुबह सर के कैबिन में रख देना प्लीज। जी मैडम। यह कह शहर ने घड़ी की ओर देखा ही था कि जल्दबाजी में बुदबुदाने लगी। उफ, 6 बज गए, आज लगता है मेरी बस फिर से छूट जाएगी। आनन फानन में अपने आप को समेटते हुए अभी शहर ऑफिस के बाहर आई ही थी कि रिमझिम बरसती घटाओं ने पूरे जोरों से उसका स्वागत किया। ठंडी हवा में गोते लगाती छोटी छोटी बूंदें उसके चेहरे को छू उसे अपने होने का एहसास भी देने लगी। ऐसा स्वागत मनु शहर को फिर से पुराने दिनों की ओर ले चला था। वह तो भूल ही गई कि उसे बस भी पकड़नी है। अभी उमंगों के बादल में वो गोते लगाने को तैयार हुई ही थी कि वास्तविकता के थपेड़ों ने उसे फिर से जगा दिया। मैडम, आप लेट नहीं हो रही हैं? काशी ने छाता आगे बढ़ाते हुए कहा। हाँ हाँ, जा रही हूँ। मुस्कुराते हुए शहर पानी में छपाके लगाती बस स्टॉप की ओर बढ़ गई। सफेद बादामी सूट और मैरून से दुपट्टे में सिमटी शहर अपनी बड़ी गहरी आंखों से अभी बस का इंतजार कर ही रही थी कि मौसम की मिठास ने फिर से उसे अपनी ओर खींच लिया। यादों के धुंधले भंवर में डूबे शहर को अभी कुछ समय हुआ ही था कि शहर की बस भी आ गई। रामपुर, रामपुर। यह आवाज सुन शहर बस की ओर बढ़ी ही थी कि उसे खिड़की से झांकता एक चेहरा नजर आया। अनुभव, यह नाम तो उसके जीवन से बहुत पहले ही कट चुका था। इस नाम ने मानो उसे कुछ पल के लिए बुद्ध बना दिया हो। उसके पैरों ने मानो उसे आगे बढ़ने से मना कर दिया हो। अरे मैडम, आना है कि नहीं? हेलो मैडम। कंडक्टर ने कुछ देर आवाज लगाने के बाद ड्राइवर को गाड़ी आगे बढ़ाने का इशारा कर दिया और शहर वो तो बस में चढ़ने की बजाय उस चेहरे को ही एक टूक देखती रही। बस चल पड़ी और वह चेहरा धीरे धीरे धुंधला होता चला गया। अनुभव ही तो कभी शहर का जीवन था। उन दोनों की बातें लगभग पूरा शहर करता था। उनकी बेउम्र नादानियां, हटखेलियां, एक दूसरे में डूबे रहने के बेफिक्र दिन कोई भूला न था। आज शहर को अनुभव से दूर हुए पूरे 5 साल हो चुके थे। कुछ बात ही ऐसी थी कि शहर को एक तरफा हो जल्दबाजी में अपना शहर छोड़ लखनऊ आना पड़ा था। पुरानी यादों के साथ कब अगली बस पकड़ शहर घर पहुंच गई उसे पता ही न चला। देर रात शहर अभी करवटें ले ही रही थी कि एक मैसेज ने उसे नींद की चादर से तुरंत बाहर निकाल लिया। तुम बिल्कुल नहीं बदली, वही भूरी आंखें, सुडौल चेहरा और गीले बालों में तो तुम और भी खूबसूरत दिखती हो। बस कुछ खाली थी तो वो थी तुम्हारी उदास आंखें। चाहता तो था कि तुमसे मिलूं, पर तुम्हें इतने दिनों बाद देख कठोर हो चला था। मुझसे मिलोगी? अनुभव के इस मैसेज ने शहर की आंखों को फिर से नम कर दिया। भीगी आंखों की वो चुभन इस भीगी रात को आलिंगन दे रही थी। अपने कमरे की खिड़की पर बैठ आज शहर उस हवा से घंटों बातें करती रही। उस दिन शहर ने अनुभव के मैसेज का जवाब नहीं दिया। हालांकि रोज बस स्टॉप से गुजरती हर बस उसे अनुभव के होने का एहसास देने लगी थी। आज अभी शहर ऑफिस से बाहर निकली ही थी कि उसे एक अनजाने नंबर से कॉल आया। शहर कुछ सोचते हुए बोली, हेलो। सामने से आवाज आई, जानता हूं तुम मुझे भूल चुकी हो, पर क्या मिलना भी गुनाह है? क्या तुम्हें मैं बिल्कुल भी याद नहीं आता? यह आवाज अनुभव की थी। यह वही आवाज तो थी जिसे बिना सुने शहर को नींद नहीं आती थी। अनुभव की वो छोटी छोटी बातें जिस पर वो ठहाका लगाकर हंसती थी, भला वो कैसे भूल सकती थी? शहर ने बिना कुछ जवाब दिए फोन रख दिया। आज शहर अपने आप को रोक ना पाई और दुनिया को भुला अपने अंदर समेटे उस उदासी के समंदर को उड़ेल दिया। वो फूट फूट कर घंटों रोती रही। उसकी आंखें आज उस सर्द हवा की तरह हो चली थी जो अच्छी तो लगती हैं पर चेहरे पर अपनी एक लालिमा बिखेर देती हैं।
उस बेतहाशा की मुद्रा में सहर ने निर्णय लिया कि वह अपने पुराने शहर जा उन यादों को फिर से ताजा कर लेगी। सुबह की पहली बस ने जैसे ही शहर को अपने शहर गोलघर उतारा, वह उसी कैफे में जा बैठी जहां वो और अनुभव घंटों बैठ स्पेशल कॉफी की चुस्कियां लगाते थे। कुछ भी तो नहीं बदला था, वही दीवारें, वही चकाचौंध और कॉफी, वो भी तो बिल्कुल वैसी ही थी। कैफे के मैनेजर संदीप ने तुरंत शहर को पहचान लिया और पूछा, मैडम इतने दिनों बाद और अनुभव जो दिखाई नहीं दे रहे? उसके इस प्रश्न ने शहर को थोड़ी देर के लिए मूक कर दिया, पर तुरंत शहर ने कहा, क्यों अनुभव यहां नहीं आते? तो संदीप ने कहा, उनको तो यहां आए अरसा हो गया है। कैफे की यादों को समेट शहर फिर से उन गलियों में चल पड़ी जहां वो और अनुभव एक दूसरे के साथ घूमा करते थे। कभी वो उसको धक्का देती तो कभी उस पर चढ़ सवारी करती। कितनी ही सीढ़ियां ऐसी थी जिन पर वो साथ बैठ एक दूसरे के साथ जीवन के सपने बुनते थे। आज भी तो उनका रंग वैसा ही था, बस थोड़ा शोर और बढ़ गया था। जब चलते चलते शहर उस झील पर आ पहुंची जहां वो अनुभव से पहली और आखिरी बार मिली थी, तो मानो सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने घूमने लगी थी। मैडम ये झील लगभग 300 साल पुरानी है और कहा जाता है इसको प्रणाम कर अगर कुछ दिल से मांगो तो मिल जाता है, अनुभव के पहले शब्द थे जब उसने उसे देखा था। आकर्षक कदकाठी, रोबीला अंदाज और चेहरे पर अपार मुस्कुराहट, ऐसा था उसका अनुभव। क्यों तुम यहाँ के गाइड हो क्या? जैसे ही शहर ने कहा तो अनुभव बोला, जी नहीं, आपको इतने इत्मीनान से झील की ओर देखते हुए देखा तो सोचा कुछ मांग ही रही होगी, बस इसलिए कह दिया। वैसे मैं अनुभव, और आप झील से प्रणाम करके पूछ लो ना, शहर ने मुस्कुराते हुए बोला। ऐसा क्या दोनों लंबे समय तक ठाके लगाते रहे। और फिर वो आखिरी दिन भी जब या कह शहर वहां से चली गई, मुझे भूल जाओ अनुभव, हमारा साथ यहीं तक का था। पूरे दिन शहर का चक्कर लगाने के बाद जब वह बस अड्डे लौटी तो आखिरी बस उसका इंतजार कर रही थी। बस में चढ़ वो सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ खिड़की से बाहर देख यादों को संजोने में लग गई। तभी साथ में किसी के बैठने की आहट आई। बिना देखे शहर अपने आप को संभाल अभी खिड़की की ओर खिसकी ही थी कि आवाज आई। बस एक दिन के लिए आई थी यह आवाज तो अनुभव की थी। वह पलटी तो देखा अनुभव उसके साथ बैठा था। तुम? हाँ, मैं भी हर साल इसी तरह आता हूं ताकि अपना आज बीती यादों में जी सकूं। और तुम? मैं पहली बार इन 5 सालों में, शहर ने कहा। कुछ खोया मिला? अनुभव ने पूछा। शहर ने कहा हाँ, और इतना कह उसने अनुभव को गले से लगा लिया। जो हम सफर कभी बिछड़ गए थे, आज समय की दरख्त ने फिर से उन्हें बुन एक कर दिया था। इसी के साथ मैं अपनी इस कहानी और वाणी दोनों को विराम देता हूँ।